यहाँ 10 क्लास के लिए है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, यहाँ यह हुआ हाइट, यह हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस यह हुआ हाइट, यह हो गया राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, हाइट हो गया या बेस हो गया या परपेंडिकुलर हो गया। अब ऑब्जर्वर कहाँ है? सी पॉइंट पर। ऑब्जर्वर का आई जो है, आई यहाँ पर है, ऑब्जर्वर कहीं खड़ा हो लेकिन आई से मतलब है, आई यहाँ पर है या थीटा एंगल बनाता है। आई कहाँ है? यहाँ थीटा बना रहा है और इसको देख रहा है, ए पॉइंट को देख रहा है, इस पेड़ के, इस हाइट के परपेंडिकुलर के ए पॉइंट को, टॉप को देख रहा है यहां से। तो यहां से जब हम देखेंगे नीचे से ऊपर टॉप को तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझ पर ध्यान दो, जब भी हम नीचे से खड़ा होकर के ऊपर देखते हैं तो क्या हो गया? हमारा आंख जो है वो ऊपर की ओर, तो यह हो गया यहां से यहां देख रहे हैं, यह हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। यह समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया उन्नयन कोण, जिसको हमने थीटा कहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर मान लो यहां थीटा लिए है तो यहां पर बीटा मान लो, एंगल ऑफ, यह रे है, यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर से है नीचे जा रहा है, यहां पर हमारा आई जो है यहां की तरफ झुका हुआ है, यहाँ पर आई जो है हमारा नीचे की तरफ झुका हुआ है, और यहाँ जब भी हम आई बनाते हैं तो यह हो गया ऊपर की ओर। तो नीचे से यदि हम टॉप को देखते हैं, नीचे खड़ा हो करके यदि हम टॉप को देखते हैं तो क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप पर बैठ करके ऑब्जर्वर टॉप पर बैठा हुआ है और नीचे देख रहा है तो यह हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल, या इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब तो समझ गए होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से मान लो कि सड़क पर हम खड़ा है और किसी टावर के टॉप को देख रहे हैं, जब भी देखेंगे तो देखो मेरा सिर ऊपर हो जाएगा, ऊपर की तरफ देंगे, देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर टॉप पर बैठ करके या खड़ा हो करके नीचे की तरफ देखे तो वह क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ बोलो।
एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसी का एग्जांपल एक ले लो, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गया। नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन। टावर पर बैठ करके सड़क पर जो कार जा रही है, निकल जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, उसको देखते हैं तो हो गया डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर को देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर हो गया। अब इसी का ले लो एग्जांपल, एक है पेड़ है, पेड़ के रूट से यहाँ पर 100 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और यहाँ पर पेड़ है, ट्री है, या इसको ट्री कहते हैं, नाम रख दें ए बी सी। यहाँ पर हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, पेड़ जब भी झुका हुआ है, झुका हुआ से मतलब नहीं है, उसको परपेंडिकुलर ही मानेंगे। अब यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पर थीटा है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बना रहा है एंगल मेजर करने का यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। जब हम ऊपर देखते हैं कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो टॉप को यहाँ टॉप पॉइंट ए को देख रहा है, सी पर ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ से टॉप को देख रहा है, आँख है, यहाँ आँख से मतलब है, आई से मतलब है, ऊपर देख रहा है। सपोज कर लो कि ये हाइट है पेड़ का, लेंथ हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री बी एच मीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और बी सी इक्वल टू 100 मीटर। अब देखो P और B का रिलेशन किससे होगा, P by B होता है tan थीटा से, P by B का रिलेशन tan थीटा से, यह रेशियो है, इसको पढ़ा चुके हैं P by B tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी टैन 60 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा के जगह पर 60 डिग्री ले लिया, तो क्या हुआ ए बी बाय बी सी पी बाय बी। अब यहाँ है टैन 60 डिग्री का वैल्यू पुट किया, tan 60 डिग्री रूट 3, ए बी है h और बी सी है 100 मीटर, तो यह h इक्वल टू क्या होगा 100√3 मीटर, और यहाँ पर है यूज रूट 3 इक्वल टू 1.73, कहीं कहीं 2 भी लिख सकते हो, 1.732 वह भी होगा। तो यहाँ 100 × 1.73 मीटर, इसको है मल्टीप्लाई कर दो 173 मीटर, यहाँ पर हो गया इस पेड़ का हाइट हो गया। तो यह है हाइट। इसमें क्या है कि बिना पेड़ पर चढ़े हुए पेड़ से कितनी दूरी पर मैं खड़ा हूँ, या कोई ऑब्जर्वर कितने मीटर की दूरी पर पेड़ के रूट से, ट्री के रूट से खड़ा है, और उस पेड़ के टॉप को देख रहा है, तो टॉप को देख रहा है, तो यह क्लियर है कि हमारा आँख कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो यह हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया।
थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग निकाल लिए हाइट, पेड़ का हाइट, पेड़ पर चढ़ना नहीं है और यह मालूम कर लिए कि कितनी कितनी ऊंचाई है पेड़ का, पेड़ का हाइट कितना है। कभी कभी यह दे देगा, एक है रस्सी है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो इसका,